आज स्वदेश आर की शुरुआत करते हैं भारत की इकोनॉमी के लिए आई दो गुड न्यूज के साथ। और ये दो अच्छी खबरें हैं सीपीआई और आईआईपी के नतीजे, जहां दोनों ही मोर्चों पर भारत ने आईएमएफ के अनुमान को सच कर दिखाया है। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। दुनिया भर के देशों में मंदी का खतरा मंडरा रहा है और महंगाई चरम पर है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हालात इतने भयावह है कि वहां की आवाम आटे के लिए जद्दोजहद कर रही है और जिन्नालैंड में आटे का आपातकाल लगा हुआ है। महंगाई की मार कुछ ऐसे बड़े मुल्कों को भी झटका दे रही है जिनकी अर्थव्यवस्था के दम का दुनिया लोहा मानती है। लेकिन भारत में तस्वीर इसके उलट है। अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी महंगाई से त्रस्त है। मैन्युफैक्चरिंग हब कहे जाने वाले चीन के हालात भी किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन आरबीआई की ओर से उठाए गए सराहनीय कदमों और केंद्र की योजनाओं ने कुछ ऐसी इबारतें गढ़ी हैं कि ये लगने लगा है कि भारत इन तमाम चुनौतियों से कई आगे बढ़ चुका है, जिसकी पानकी आज शाम आए सीपीआई यानी रिटेल महंगाई दर के नतीजे भी पेश कर रहे हैं। दरअसल भारत में दिसंबर महीने में रिटेल महंगाई दर 5.72% रही है। साथ ही ग्रामीण, शहरी और महंगाई हर स्तर पर राहत मिली है। दूसरी ओर आज आए आंकड़ों के मुताबिक नवंबर महीने में देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नवंबर में 7.1% रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस साल की शुरुआत में ही आईएमएफ चीफ की ओर से आए बयान ने भारत की ये तस्वीर साफ कर दी थी। उन्होंने साल 2023 में कई बड़े देशों में मंदी आने की चेतावनी दी, लेकिन इस बयान में कहीं भी भारत का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि बयान में ये साफ है कि जिन देशों में मंदी दस्तक नहीं देगी उन्हें भी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि बदलते और लगातार बढ़ते भारत की ये रफ्तार आगे भी यूं ही कायम रहेगी या फिर आने वाले समय में चुनौतियां भारत के लिए भी खड़ी होंगी। और ऐसे में सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। स्वागत है सुनील साहब आपका स्वदेश आर में। तो पहला सवाल तो सीपीआई और आईआईपी के आंकड़ों को लेकर ही मैं पूछना चाह रही हूं, क्योंकि यही हमारा आज का मुद्दा है। गुड न्यूज तो है सर, लेकिन क्या ये टेम्प्ररी राहत है? क्या इसका अंदेशा पहले से था और क्या इसके बाद तस्वीर एक बार फिर से वही हो जाएगी जो हमने पहले देखी थी? देखिए, जैसा आपने पहले कहा, दोनों आंकड़े जो आज आए हैं वो डेफिनेटली एनकरेजिंग है। एक तरफ महंगाई की दर में गिरावट दर्ज की गई है 5.72%, जो कि वेल विदिन दी टॉलरेंस जोन ऑफ आरबीआई है। और दूसरी तरफ पिछले 2-3 महीनों से जो आईआईपी के नंबर्स काफी निराशाजनक रहे थे, उनमें अचानक 7.1% की वृद्धि सडनली एनकरेजिंग है। परंतु मेरी समझ से इन आंकड़ों के पीछे भी कई चीजें छुपी हुई हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। पहले अगर महंगाई की बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सब्जियों की कीमतें, फ्रूट्स की कीमतों में गिरावट आई है और उसका एक खासा असर जो है वो ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन में देखने को मिला है। और ये डेफिनेटली अच्छा है, पर साथ ही साथ मैं थोड़ा सा कॉशन भी करना चाहूँगा, क्योंकि इस खुशखबरी के साथ साथ महंगाई जो खास करके खाद्य पदार्थ की है उसमें अगर हम जो है सीरियल्स जो हम कहते हैं, अगर सीरियल्स और सीरियल्स प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दें जिसमें के गेहूँ, चावल और तमाम ऐसी चीजें आती हैं, तो उनमें जो है लगातार तीसरा या चौथा महीना है जिसमें हम डबल डिजिट इन्फ्लेशन देख रहे हैं। तो अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। ओवरऑल जो आंकड़ा है वो डेफिनेटली एनकरेजिंग है। उम्मीद ये है कि आने वाले महीनों में भी महंगाई की दर में गिरावट होगी। कुछ हद तक तो जो ट्रेंड हम देख रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होगा और कुछ हद तक जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसका असर भी जो है ओवरऑल महंगाई पर नजर आएगा आने वाले महीनों में। सो मेरी समझ से मैं आरबीआई की पॉलिसी पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले इकोनॉमी के मोर्चे पर जो गुड न्यूज आई है वो दर्शकों को बताना चाहेंगे।
जी, यहाँ पर खबर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मोर्चे से आ रही है, और जो आज आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक नवंबर महीने में देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर जो है 7.1% रहा है। ये आंकड़े 5 महीने में सबसे बेहतर हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से खासतौर से अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की बात करें, आउटपुट ग्रोथ सालाना 2.1% से बढ़कर 12.7% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ उम्मीदें बढ़ाने वाली है, 0.3% से बढ़कर ये 6.1% पर आ गया है आंकड़ा। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर आउटपुट ग्रोथ 2.1% से बढ़कर 12.7% रही है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल आउटपुट ग्रोथ में भी इजाफा दर्ज हुआ है। तो सुनिए सर, अब यहाँ पर जो तमाम मोर्चों पर हमें अच्छी खबरें आती हुई दिखाई दे रही है, सवाल यही है कि अब ब्याज दरें अगर बढ़ेंगी तो किस तीव्रता के साथ बढ़ेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो विदेशी इकोनॉमीज़ हैं जहाँ से हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला ज़्यादा अग्रेसिव है, वहाँ पर किसी भी तरह की राहत है। हमारे फ्रंट पे अगर हमें इस तरह के अच्छे खुशखबर देने वाले आंकड़े अगर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हमारी जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला है, क्या वो धीमा होगा या वो थमेगा कुछ समय के लिए? क्या ऐसा आरबीआई कर सकता है? देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा था। पहले जी तो मैं जो आईआईपी के आंकड़े हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। तो जैसा मैं कह रहा था कि इन्फ्लेशन के मोर्चे पे गिरावट आई है, वो एक अच्छी खबर है, जबकि कुछ दिक्कतें अभी भी बरकरार हैं। फिर भी ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ये है कि आने वाले महीनों में भी जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो वेल विद इन आरबीआई का जो टॉलरेंस जोन है, लेस देन 6% रहने वाले हैं। जहां तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सवाल है, 7.1% का जो आंकड़ा आया है ये डेफिनेटली एनकरेजिंग है और काफी हद तक हमारी उम्मीद से ये बेहतर आंकड़ा है नवंबर के महीने का। पर साथ ही साथ हमें जो है एक चीज ये भी देखनी पड़ेगी कि इन आंकड़ों में जो एक्चुअल जो बढ़ोतरी है वो यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन में कहाँ से आ रही है। तो अगर यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन में हम जाएं तो ये ग्रोथ जो है प्राइमरीली कैपिटल गुड्स से और इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स से आ रही है, और कुछ हद तक जो है नवंबर के महीनों में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने और नॉन ड्यूरेबल्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे दो बातें जो है वो समझने वाली हैं। एक तो ये है कि जो कैपिटल गुड्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली है या इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली है, उसके पीछे एक जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो है सरकार का सस्टेन्ड फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो सरकार यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट जो इसके ऊपर फोकस है, जिसकी वजह से जो है इन दो सेक्टरों को अच्छी खासी मदद मिल रही है। जहां तक कंज्यूमर ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल का सवाल है, उसमें अगर आप पिछले 2-3 महीने के आंकड़े देखें तो डिस्पाइट फेस्टिवल सीजन इन कंज्यूमर ड्यूरेबल में और नॉन ड्यूरेबल में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो नवंबर का आंकड़ा जरूर अच्छा लगता है, परंतु मूल प्रश्न ये है कि ये जो बढ़ोतरी हमने नवंबर के महीने में देखी है, क्या ये आने वाले महीनों में भी बरकरार रहेगी, क्या इसी तरीके से रहेगी? अगर आप पिछले 1 या 2 साल के आंकड़ों के ऊपर नजर डालें तो उससे कोई बहुत ज्यादा हमें जो है सपोर्ट नहीं मिलता है कि ये ट्रेंड आगे बरकरार रहेगा, क्योंकि ये आंकड़ा जो है काफी वोलाटाइल है, चाहे आप पिछले साल का आंकड़ा उठा के देखें या 2 साल का। तो अभी ये एक ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है या ये वन ऑफ महीना है, ये तो आने वाला समय बताएगा, पर कुछ चीजें जो है वो समझनी जरूरी है इस संदर्भ में। और वो ये है कि पिछले दिनों में जो लगातार महंगाई रही है उसकी वजह से हाउसहोल्ड्स जो है उनकी जो रियल इनकम है उसके ऊपर जो है काफी चोट पहुंची है, और साथ ही साथ जो आरबीआई की मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है उसकी वजह से भी जो है जो कंजम्पशन डिमांड है उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों चीजों का मिला जुला असर जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बहुत खुश नहीं होना चाहूंगा इस समय
इनकरेजिंग जरूर है, बट एनकरेजिंग नहीं, आप सही कह रहे एक या हैं, दो महीने खुश के खुश बाद होने कह के दी कि लिए, जरूर। खुश होने के लिए पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन इस बीच जो यूएस के सीपीआई आंकड़े हैं, मैं आपका ध्यान उस ओर भी ले जाना चाहती हूँ। दिसंबर सीपीआई का आंकड़ा 6.5% पे आया है, 6.7 के आसपास का अनुमान था, इसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही अगर हम देखें कोर महंगाई दर 5.7% आई है 5.8 के मुकाबले, तो यहाँ पर भी कोई खास इनकरेजमेंट नहीं आंकड़ों में? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग चाहे यूएस फेड ने किया हो या आरबीआई ने किया हो, जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पे मॉनेटरी टाइटनिंग का असर थोड़े ज्यादा लैग से दिखता है बनिस्पत के यूएसए में। तो यूएसए में भी जहाँ पिछले कुछ महीनों में आंकड़ा जो इन्फ्लेशन का है वो 9% के आसपास पहुंच गया था, तो वो घट करके 6-6.5% के आसपास आ गया है। और हमारे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये आंकड़ा जो है कुछ सीजनल फैक्टर की वजह से और कुछ मॉनिटरी टाइटनिंग की वजह से जो है वो वेल विद इन आरबीआई। तो इन सब का जो मिला जुला असर आने वाले समय में जो देखने को मिलेगा और जो कि इम्पॉर्टेंट है समझना, वो ये है कि अब तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो फेड हो चाहे आरबीआई, ने बहुत ही एग्रेसिव जो है रेट हाइक्स किए हैं। पर अब जब आंकड़े थोड़े आश्वस्त करने वाले हैं और थोड़े से ठीक ठाक दिख रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है कि मॉनिटरी टाइटनिंग अभी खत्म तो नहीं हुई है, वो आगे हम ये भी कह सकते हैं, जारी तो क्या हम ये रहेगी। कह सकते हैं और कि फेड की जो अभी मॉनेटरी हमारी पॉलिसी होने उम्मीद है वाली है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जी, फेड की जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है उसमें अभी आ, 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 50 नहीं बल्कि 25 BPS तक का इजाफा हम देख सकते हैं वहां पे जी नरमी? मैं यही कहना चाह रहा था कि बढ़ोतरी होगी पर वो उतनी अग्रेसिव नहीं होगी, और कुछ उसी किस्म का आपको जो है रिएक्शन इवन इंडिया में देखने को मिलेगा। आरबीआई अभी लगाम तो नहीं लगाएगा, हमारी उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट से फरवरी के महीने में भी बढ़ोतरी होगी, परंतु उसके बाद जो है बढ़ोतरी काफी हद तक डेटा डिपेंडेंट हो जाएगी। एब्सोल्युटली। तो फिलहाल जो आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो राहत देने वाले तो हैं ही, लेकिन आ, 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 कितना लंबा चलेगा ये राहत का सिलसिला, उस पर नज़र बनी रहेगी, और वो काफ़ी कुछ डेटा पर डिपेंड करता है। फिलहाल सुनील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। तो आज आए ये आंकड़े भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कितनी राहत भरी खबर यहाँ पर बता रही हैं, ET Now की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली भुसनूरमठ से समझिए। आज शाम सरकार को जो दो खबरें मिली, एक तो इन्फ्लेशन के बारे में और दूसरा जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन के बारे में जो नंबर्स रिलीज हुए, दोनों सरकार को खुशखबरी के अवसर है, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो नंबर है ये हम दिसंबर के बारे में बात कर रहे हैं, वो एस्टिमेट के नीचे 5.72% आया। पिछले महीने ये था 5.9%, ये दिसंबर के आंकड़े हैं। तो दिसंबर में महंगाई का इंक्रीज जो है वो 5.72 है, और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो है, जो अक्टूबर के महीने में कंट्रैक्शन हुआ था, जो घटा था 4% से घटाई हुई, वो नवंबर के मंथ में 7% से इंक्रीज हुआ है। साथ के साथ मैन्युफैक्चरिंग जो अक्टूबर के महीने में दोबारा कंट्रैक्शन हुआ था, अक्टूबर नवंबर के महीने में 7% से 6% से इंक्रीज हुआ। साथ के साथ जो हम कैपिटल गुड्स जो कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का बेसिस होता है, वो डबल डिजिट 20.1% इंक्रीज हुआ मंथ ऑफ नवंबर में। तो अगर सब कुल मिला के अगर हम देखेंगे, GDP में आज खबरी मिली है, IIP में आज अच्छी खबरी मिली है, और महंगाई के दर में भी अच्छी खबरी मिली है। तो फाइनेंस मिनिस्टर को बजट के प्रिपरेशन में ये जो तीनों जो हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तीनों में काफ़ी सुधार हुआ है, तो हम सोच सकते हैं कि बजट में हमको कुछ मौका, FM को मौका मिलेगा कि बोले कि इकोनॉमी में सुधार आई है, रिकवरी हो चुकी है। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज दो दिग्गज IT कंपनी के तीसरे तिमाही के नतीजों की। इंफोसिस के नतीजे जो आए हैं वो बेहतर रहे हैं, कंपनी के आय और मुनाफे दोनों में बढ़त दर्ज हुई है। नतीजों की तमाम डिटेल सहयोगी शरद दुबे दे रहे हैं।
जी हाँ, तीसरे तिमाही के नतीजे आए हैं और इन्फोसिस फोकस में रहने वाला है जो देश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी कंपनी है। तीसरे तिमाही के नतीजे ओवरऑल देखा जाए तो शानदार नतीजे आए हैं, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। और अगर आप रेवेन्यू ले लीजिए, पैट ले लीजिए, तो अनुमान से बेहतर आए हैं, एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आए हैं आंकड़े। लेकिन मार्जिन की बात करें तो एक हल्की मिस आई है। अब थोड़े नंबर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो डॉलर रेवेन्यू में जो है लगभग 2.2% का ग्रोथ देखने मिला, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक ट्रैक करने के लिए होती है कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ, वहाँ पे जो है लगभग 2.4% का ग्रोथ आया और अनुमान ऑलमोस्ट 1.2% था। अब बात करते हैं मार्जिन के, तो लगभग सपाट आया है 21.5%, हालांकि उम्मीद थी कि वो 21.9% रहने वाली है। पैट में भी जो है अच्छी जो है सुधार देखने मिली, लगभग 9% का ग्रोथ देखने मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो वित्त साल 2023 का गाइडेंस है उसको बढ़ा दिया गया है, अब उस रेंज को 16% से 16.5% कर दिया गया है। पहले ये रेंज 15 से 16% थी, लेकिन जो FY23 की जो ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस है वो अनचेंज रही है, वो अभी जो है 21 से लेकर 22% तक में घूम रही है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो एट्रिशन लेवल्स है वो कम हो गया है, और ट्रेडिंग बेसिस में देखा तो 3% कम हुई है एट्रिशन, अब 24% हो चुका है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री कह रही है कि आगे जाते हुए जो क्वार्टर्स रहने वाले वहाँ पे एट्रिशन जो है और कम होंगे। इसके अलावा डील साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है पिछले 8 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा डील साइज़ देखने मिले हैं, कुल क्यूमुलेटिवली जो है $3.8 बिलियन इस तिमाही में जो है डील साइज हुए हैं। और मैनेजमेंट कमेंट्री भी आ रही कि जो डिजिटल थीम चल रही है, क्लाउड थीम चल रही है, उसमें जो है अच्छे ऑर्डर्स और डील साइजेस देखने मिल रहे हैं। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि इन्फोसिस के बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स आए हैं, आपके मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किए, गाइडेंस जो है रेवेन्यू का अपग्रेड हुआ है, और एट्रिशन जो एक इम्पॉर्टेंट फिगर होती है उसमें भी गिरावट देखने मिली है, और मैनेजमेंट कमेंट्री भी स्ट्रॉन्ग है। चलिए, ये तो इन्फोसिस के नतीजों पर बात हुई है, लेकिन HCL टेक ने भी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं और नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं, आय और मुनाफे दोनों में बढ़त दर्ज हुई है। और HCL टेक के नतीजे कैसे रहे हैं, सहयोगी अशेषा जानकारी दे रही हैं। अच्छे नतीजे रिपोर्ट किए हैं HCL टेक ने इस क्वार्टर में। एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करें तो सभी पैरामीटर्स पर इस क्वार्टर में नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। मार्जिन्स की बात करें तो 165 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। कंपनी ने 19.6% के मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं वर्सेस 17.9% जो कंपनी ने क्वार्टर टू में रिपोर्ट किए थे। कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ 5% पर देखने को मिला इस क्वार्टर वर्सेस 3.2% जो एक्सपेक्टेशन हम लेकर चल रहे थे। ऑल इन ऑल सभी पैरामीटर्स पर नतीजे अच्छे रहे हैं। इसके अलावा डील विंस की बात कर लेते हैं। कंपनी ने 10% का अपटिक देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डील विंस के फ्रंट पर। और एट्रिशन, जैसे हमने सभी आईटी कंपनियों में देखा है, एट्रिशन कम होता हुआ नजर आया इस क्वार्टर में। कंपनी का एट्रिशन रेट 21.7% था एट द एंड ऑफ क्वार्टर थ्री वर्सेस 23.8% जो कंपनी ने क्वार्टर टू में रिपोर्ट किया था। लेकिन गाइडेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। कंपनी ने गाइडेंस की अपनी रेंज है वो नैरो कर दी है। रेवेन्यू फ्रंट पर बात करें तो कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में कंपनी ने पहले 13.5 से 14.5% का गाइडेंस दिया था और अभी वो कम कर 13.5 से 14% का रेंज कर दिया है। इसके साथ ही मार्जिन गाइडेंस की भी रेंज नैरो कर दी गई है इस क्वार्टर में। कंपनी ने पहले 18 से 19% का मार्जिन गाइडेंस दिया था और अब 18 से 18.5% का गाइडेंस दिया है मार्जिन फ्रंट पर FY23 के लिए। ऑल इन ऑल नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे हैं। मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिला इस क्वार्टर में। एट्रिशन भी कम होता हुआ नजर आया, लेकिन गाइडेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा बिकॉज कंपनी ने FY23 के गाइडेंस की रेंज नैरो कर दी है इस क्वार्टर में। चलिए, तो ये थे आज आए अहम नतीजे, लेकिन आगे बढ़ते हैं एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट का जिनसे फ्यूचर बनेगा शानदार। एशिया के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो के दूसरे दिन भी दिखा बहुत कुछ खास। ऑटो एक्सपो के दूसरे दिन मारुति सुजुकी का जलवा देखने को मिला। कंपनी ने जिम्नी और फ्रॉन्क्स एसयूवी से पर्दा उठाया। डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ रही हैं। सृष्टि, बताएं।
जी हाँ, ऑटो एक्सपो के दूसरे दिन हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो फाइनली यहाँ पे है। मारुति सुजुकी की जिम्नी के लॉन्च की काफ़ी इंतज़ार था और अब कंपनी ने ये लॉन्च कर दी है। आप देख रहे हैं ये शानदार गाड़ी जो कि महिंद्रा थार को क्लियरली कम्पीट करती हुई नज़र आएगी। इस पर्टिकुलर कार की अगर हम बात करें तो सुजुकी ने ये इसका इन ग्लोबल लॉन्च किया है। अब तक आप देखते थे कि ये जो इनकी फ्लैगशिप गाड़ी है वो थ्री डोर में आती थी, पर अब ये पाँच डोर्स में जो जिम्नी है वो आपको आती हुई दिखेगी। और साथ ही साथ इसकी बुकिंग भी ओपन हो चुकी है नेक्सा में ये गाड़ी, और साथ ही कंपनी ने जो दूसरी गाड़ी लॉन्च की है जो कि है फ्रॉन्क्स, उसकी बुकिंग भी अब ओपन है। दोनों ही नेक्सा के मॉडल्स हैं और साथ ही 11,000 की बुकिंग प्राइस से आप दोनों में ही अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑटो एक्सपो 2023 के दूसरे दिन में हमने देखा कि MG मोटर्स की तरफ से जो है एक MPV लॉन्च हुई है जिसका नाम है यूनिक 7। तो ये थे अब तक के कुछ शानदार लॉन्चेस कंपनीज की तरफ से। मारुति सुजुकी के MD CEO याशी ताकेओजी का कहना है कि भारत में SUV सेगमेंट की ग्रोथ को देखते हुए कंपनी इसमें मार्केट शेयर को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। साथ ही SUV सेगमेंट में नवंबर यहां पर SUV सेगमेंट में देखा जाए तो नंबर एक बनने का लक्ष्य है कंपनी का। द SUV स्पेस इन इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट and it's you know growing much over the 40% of total market. So here we see that in order for us to grow further and increase our market share further, we have to strengthen our product portfolio in this SUV segment. And today we are announcing those important two new SUVs into sub 4-meter segment of SUV. And with Fronx and Jimny, our target is to win back number one position also in SUV space for Maruti Suzuki. सभ्यता, पूरी एक संस्कृति, पूरा एक नगर नष्ट होने के कगार पर। हमें नहीं पता हम कब आएंगे यहाँ पर वापस। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ दरक रहे हैं और लोगों की जान आफत में है। जी हाँ, जोशीमठ में मकानों में दरारें और ज़मीन के धसान ने हालात बिगाड़ कर रख दिए हैं। भारत ही नहीं, सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त जोशीमठ पर टिकी हुई हैं। हालात इतने ख़राब हो चले हैं कि पूरे के पूरे जोशीमठ को शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। सरकार की ओर से लगातार हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। जोशीमठ की जनता सड़कों पर है, साथ ही अब शुरू हुई बर्फबारी ने हालात और बिगाड़ कर रख दिए हैं। पिछले 24 घंटों पहले मकानों में दरार का जो आंकड़ा था वो 723 था, अब उसमें 50 से ज्यादा मकान और जुड़ गए हैं। और ये हालात अब केवल जोशीमठ तक ही सिमट कर नहीं रह गए हैं, बल्कि जोशीमठ के बाद अब मसूरी, चंबा और कर्णप्रयाग में भी लोगों के घरों में आई दरारों ने प्रशासन की नींद उड़ा कर रख दी है। प्रशासन की ओर से यहां भी मकान खाली करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री PM मोदी समेत पुष्कर सिंह धामी भी इस मामले में नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने जोशीमठ के पीड़ितों से मुलाकात भी की और आज भूस्खलन को लेकर CM थामी अधिकारियों और पार्टी नेताओं के साथ कई बैठकें करने वाले हैं। इससे पहले CM ने भारतीय सेना और एक्सपर्ट्स के साथ भी बैठक की है, साथ ही केंद्र के बड़े नेताओं की भी नज़र इस समय जोशीमठ आपदा पर है। वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी सरकार पूरी तरह से उसका समाधान करने की कोशिश, जोशीमठ में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वयं इस दृश्य से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग दिया जा सकता है वह सहयोग भी केंद्र सरकार दे रही है।
जोशीमठ में जहां कई घरों और मकानों में दरार आई है, वहीं मनोहर बाग इलाके में एक घर ऐसा भी है जहां 80 साल की एक बूढ़ी महिला रहती है जो ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं। उनके घर पर लाल निशान लगा दिया गया है, लेकिन रिश्तेदारों का कहना है कि वो इस उम्र में अब कहां जाएंगी। देखिए जोशीमठ का एक और दर्द, हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। 80 साल पुरानी ये इमारत है जोशीमठ के मनोहर बाग में। तमाम भूकंप और तमाम आपदा के बीच ये मकान कभी हिला नहीं। हालांकि मिट्टी का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन जोशीमठ में आई ताजा आपदा ने इस घर को भी अब ना रहने लायक बना दिया है और लाल निशान यहां लगा दिया है। लेकिन इसी घर में जितना पुराना ये मकान है, तकरीबन इस उतना ही पुराने इस घर में एक राजेश्वरी देवी नाम की महिला है। 80 से साल ऊपर इनकी उम्र है, अकेले इस मकान में रहती हैं। इनके कोई बाल बच्चे नहीं हैं, कोई देखरेख करने वाला नहीं है, खुद अपना खाना बनाती हैं। और अब जब ये घर टूट रहा है और ये यहाँ से सबको विस्थापित किया जा रहा है, सवाल ये है कि इनकी देखरेख कौन करेगा। अपना ये आशियां छोड़कर इस उम्र में वो जाएंगी कहाँ? क्या प्रशासन ने इस तरह के बुजुर्गों के लिए, जो पहाड़ों में अकेले हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए कुछ सोचा है क्या? हालांकि कुछ रिश्तेदार उनके आसपास जरूर रहते हैं, लेकिन ये महिला अभी भी अपना खाना बनाना, अपने सारे काम खुद करती हैं। हमारे साथ उनकी एक रिश्तेदार है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम शैलजा है जी। और ये मेरा मायका है, ये मेरी बुआ जी हैं, मतलब मेरे पापा की ताऊ की बेटी हैं ये। तो ये यहाँ पे से कहीं गांव पे हमारे साथ रहती थी, वहाँ पे इनका घर था, इनकी शादी भी, लेकिन अभी कुछ नहीं है, छोड़े हुए हैं। तो ये यहीं पे हमारे साथ रहती हैं, तो पापा लोगों के साथ रहती हैं। हालांकि उन्हें राशन पानी सब दिया जाता है, वो खुद बनाती हैं, इतनी उनकी है, वो बनाती हैं। अब स्थिति ऐसी है कि ये कहाँ जाएं, इनके पास घर केवल ये था, हमारे पास भी घर नहीं है। हालांकि अभी देखेंगे, लेकिन इनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या होगा, कैसे होगा, कैसे ही अपना जीवन यापन करेंगी, बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। राजेश्वरी देवी जी नहीं सकती, सुन नहीं सकती हैं, कुछ भी नहीं, इशारों से केवल हम लोग समझ सकते। कुछ ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो उनकी भाषा समझ सकते हैं, वो कोई नहीं समझ सकता उनकी। और वो कहीं पे एडजस्ट कैसे करेंगी, क्या होगा, बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए आज। नमस्कार, स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। आज हम स्वदेश विशेष में दो मुद्दों को लेकर जाएंगे। पहला मुद्दा देश की तरक्की की तस्वीर दिखाएगा और दूसरा मुद्दा तरक्की की तस्वीर से बर्बादी की राह को बताएगा। तो शुरुआत करते हैं डिजिटल इंडिया से, जहां कैशलेस की दिशा में तेजी से भाग रहा है भारत, जो अब अपनी रेस को और तेज करने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे लोग UPI पेमेंट की तरफ खींचे चले आएंगे। और सिर्फ देश के लोग ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में बैठे प्रवासी भारतीय भी अब भारत में UPI पेमेंट कर सकेंगे। आखिर क्या है सरकार का प्लान, पहले उसे समझते हैं और फिर इसी मुद्दे पर अपने एक्सपर्ट के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर सरकार की सोच क्या है ये बढ़ते बदलते भारत के लिए। ये UPI की इंसेंटिव स्कीम कितनी किफ़ायती साबित हो सकती है? तो पहले पेश है एक रिपोर्ट। UPI पेमेंट को लगेगा बूस्टर का डोज, सरकार की ट्रांजैक्शन इंसेंटिव की वैक्सीन तैयार, प्रवासी भारतीयों को भी मिलेगी UPI की सुविधा। भीम UPI से ट्रांजैक्शन पर अब मिलेगा इंसेंटिव। कैबिनेट ने 2600 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपए डेबिट कार्ड और भीम UPI के जरिए लेन देन को बढ़ाने की प्लानिंग तैयार कर ली है और छोटी छोटी राशि के लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए भी एक खुशखबरी है, और वो ये है कि वो भी अपने इंटरनेशनल नंबर से ही UPI पेमेंट कर सकेंगे। शुरुआत में ये सेवा 10 देशों में दी जाएगी और धीरे धीरे मिशन सफल रहा तो और देशों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। शुरुआत में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन में ये सेवा शुरू की जाएगी। NCPI के मुताबिक UPI की सुविधा दे रहे प्रतिभागियों से 30 अप्रैल तक व्यवस्था बनाने को कहा गया है। सरकार की इन कोशिशों के चलते उम्मीद है कि साल 2023 डिजिटल लेन देन के लिए और ज्यादा कामयाब साल साबित हो सकता है। ETNow स्वदेश।
चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं MD और CEO पे नियर बाई के आनंद कुमार बजाज। आनंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब सरकार ने कोई स्कीम नहीं चलाई थी उस समय तो इतने डिजिटल पेमेंट हुए, आज रिकॉर्ड तोड़ UPI डिजिटल जो पेमेंट है वो हो रहे हैं। अब सरकार ने ये स्कीम चलाई है, इंसेंटिव स्कीम प्लान लाने जा रही है, आखिर आपको क्या लगता है कि आखिर सरकार की अब मंशा क्या है, आगे क्या करना चाहती है, क्या पूरे देश में कैशलेस अभियान के तहत इस मुहिम को देखा जाए? हाँ, ये उसी ओर ये डायरेक्शनल स्टेप है और ये इंसेंटिव कस्टमर्स को नहीं दिया जा रहा, ये इंसेंटिव मर्चेंट्स के ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग पर उनके एक्वायरर बैंक्स को दिया जाएगा। जाहिर है कि जब दूर गांव में आप जा रहे हैं और ये भी ट्रांजेक्शन जो लिमिट्स हैं जो आप इंट्रोडक्शंस को करने में जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट आप कैसे अदरवाइज रिकवर करेंगे, आपको कुछ तो रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इसमें हमें मदद की है कि आप जाइए गांव में और आप इससे थोड़ा ये प्रोत्साहन है एक तरह से, ये है मेरा मानना है। कैसे अनफोल्ड होता है ये तो बात है, इसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये भी समझना चाहेंगे कि पिछले साल जो दिसंबर गया अभी उसमें 12 लाख करोड़ के जो UPI ट्रांजेक्शन हुए, ऐसे में सरकार को और क्या जरूरत पड़ी कि ये स्कीम लाई जाए, क्योंकि अब UPI जो ट्रांजेक्शन हो तो अपने आप ही बढ़ रहा है, लोग खुद ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लोगों को जरूरत भी महसूस हो रही है, ऐसे में इस स्कीम के जरिए सरकार का फोकस किस चीज़ को लेकर ज़्यादा है? देखिए, ये प्रोत्साहन है एक्वायरिंग इकोसिस्टम को ही सपोर्ट देने का, ये कस्टमर का कैशबैक इंसेंटिव नहीं है और ये कोई एडिशनल पे आउट नहीं है, ये जो कार्य ऑलरेडी किया जा चुका है उसका एक सब्सिडी जो सरकार ने पिछले साल 1300 करोड़ दी थी इस बार 2600 करोड़ दे रही है। हाँ, इस बार थोड़ा और डीप रूरल में जाने के लिए सिर्फ कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसको इसमें इंक्लूड किया गया है, खास करके रुपे कार्ड को बढ़ावा देना और जो UPI लाइट लॉन्च हुआ है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो जब गांव में आप दूर दराज में जाएंगे तो ये मर्चेंट एक्वायरिंग इनेबल करने के लिए, दुकानदारों को इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये किया गया है। सर, इसमें एक चीज और समझ आती है कि सिर्फ रुपे कार्ड और जो भीम UPI इसको ही प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, क्या दूसरे और ऐसे तरीके भी हो सकते हैं कि जो दूसरे और ट्रांजेक्शन है दूसरे और प्लेटफॉर्म है उनको भी बढ़ाया जा सके? वो लोग आपसे प्रोत्साहित करेंगे, यहाँ जाकर जो सरकारी फ्रेमवर्क है जो सरकारी कार्य मोस्टली रूप पे होते हैं और का फॉर्म है तो हम इसी को प्रोत्साहित करेंगे और उसी के लिए मेरे ख्याल से सरकार ने ये प्रोग्राम बनाया है और बाकी लोग भी अपने लिए अपने अपने हिसाब से इसको स्कीम को प्रमोट करेंगे जो और भी लोग इस इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आनंद सर, एक और चीज आई है जो NRI हैं, जो विदेशों में बैठे प्रवासी भारतीय हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी स्कीम आ रही है, वो भी UPI पेमेंट कर सकेंगे अपने इंटरनेशनल नंबर से। ये कितना क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है भारत के जो UPI और डिजिटल जो देश बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है उस दिशा में? ये बहुत ही रीसेंट एक जोक था कि एक दुकान पर दो लोग पे रहे हैं, एक हाथ रख के UPI से और दूसरा बब्बे में से कैश निकाल के और किसी शर्त लगाई कि ये जो कैश पे कर रहा है ये NRI है, जब वापस बाहर आए तो डिजिटल पेमेंट ऑनलाइन में खड़ा होकर डिजिटल भुगतान कर पाएगा और सरकार ने रिजर्व बैंक को CA के थ्रू इनेबलमेंट करवाया। कुछ कंट्रीज में भी 8-9 देशों में US इंक्लूडेड अरब और सिंगापुर हांगकांग में इन कंट्रीज में जो NRI वापस इंडिया आते हैं कि रोमिंग कंडीशन में फोन पे से जिस अकाउंट में उनके वो मोबाइल नंबर लिंक पर्टिकुलर ISD को उन अकाउंट्स को अलाउ किया गया है तो ये भारत ना उनकी और भारत में पेमेंट कर ज्यादा सरल। सर, इंटरनेशनल जो नंबर है उससे अगर पेमेंट करते हैं तो उसमें क्या हम कुछ ऐसी चीजें भी देख सकते हैं,
उसका कुछ नुकसान, उसके कुछ साइड इफेक्ट भी नज़र आ सकते हैं क्या इस इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट को सिस्टम बढ़ने से? मेरा मानना ऐसा नहीं है, ये बहुत ही सोची समझी मुहिम है। और ये किन खातों से आप पे कर रहे हैं जिसमें फ्लोज कंट्रोल्ड हैं, एनआरई एनरो अकाउंट्स हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं और वेल मॉनिटर्ड हैं, तो इस पे इसके अलावा रिजर्व बैंक ने कंट्रोल्स और इंप्लीमेंट करने के लिए कहा है एक्वायरिंग और इश्योर बैंक, तो अपने अपने हिसाब से बैंक्स इसमें कुछ लिमिट्स लगाएंगे, उसमें कितने फ्लोज अलाउड हैं वो लगाएंगे, किस टेन्योर के लिए इनेबल किया गया है, वो सब चीजें इसमें मेरे ख्याल से कंट्रोल्स बेटर ला पाएंगी, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है मेरा मानना है। एक चीज और समझना चाहेंगे कि अगर ये स्कीम लागू होती है जैसे कि 30 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है, तो चुनौतियां क्या रहेंगी जो इस तरह के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को सिस्टम बनाने में? देखिए सिस्टम तो पूरा बना हुआ है और चुनौती के नाम पर मेरे ख्याल से यहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है चुनौती से, और इसमें खाली उन कंट्रीज के इनेबल करना है जो कि प्लस 91 की जगह अब जो भी रेलेवेंट हांगकांग सिंगापुर के यूएस के हैं वो कोड्स इनेबल हो जाएंगे मोबाइल फोन में। मेरे ख्याल से एक ही खाली बात होगी जब कोई रोमिंग इंटरनेशनल आईफोन फॉर एग्जांपल, तो उसका जो प्ले स्टोर है उसको कौन सा ऐप डाउनलोड अलाउ करता है वो उसकी होम कंट्री के पड़ता है। कई कंट्रियों में अगर उनके प्ले स्टोर पे उनके अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ये देखा जाएगा उसमें कि क्या यूजर के प्ले ऑफ कंट्री चेंज करके इंडिया के ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, ये अवेलेबल होगा। तो इसके अलावा मुझे और कोई चुनौती नहीं नजर आती, जो डाइज आते हैं वो एनआरओ अकाउंट रूप में आप कर पाएंगे, तो फॉरेन लागू हो जाता है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो बाहर विदेशों में बैठे हुए अगर वो चाहे अपने बच्चे की फीस यूपीआई पेमेंट से कर सके, अगर यहाँ के लोग भी चाहें तो क्या वो भी इसी तरह की सुविधा बाहर अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं क्या अगर यूपीआई सिस्टम लागू हो जाता है जैसे उनके बच्चे दूसरे देशों में है इस सिस्टम की वजह से? जी देखिए आज आउट रेमिटेंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑलरेडी बहुत बढ़िया इकोसिस्टम बनाया है, रिजर्व बैंक कंट्रोल अच्छे लगे हुए हैं और यूपीआई दूसरे देशों में भी है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी इंटीग्रेशन हो ही रहे हैं, तो ये बहुत दूर नहीं है, आपकी सोच बिल्कुल लाइन में है और ये जरूर जल्दी ही होना चाहिए। जी शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थोड़ी सी तकनीकी खामियां भी हो रही थी, आवाज़ों में थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन आपने जो भी तमाम जानकारियां बताई और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी जिससे हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम में ये काफ़ी एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है यूपीआई को लेकर, और जो विदेशों में बैठे प्रवासी भारतीय उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी सभ्यता, पूरी एक संस्कृति, पूरा एक नगर नष्ट होने के कगार पर। हमें नहीं पता आप कब आएंगे यहाँ पर वापस। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे। तो चलिए अब तक आपने देखी तरक्की की एक तस्वीर, बढ़ते बदलते भारत की उम्मीदों को जगाती हुई तस्वीर, लेकिन अब आपको दिखाते हैं भारत की दूसरी तस्वीर जहां पूरा का पूरा गांव जमींदोज होने के कगार पर खड़ा है। कोई कहता है कि यह विकास के अंधी दौड़ का नतीजा है, तो कोई कहता है ये कुदरत की आफत है। जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। किस्सा जोशीमठ का है जहाँ पूरा शहर दरक रहा है, लेकिन अब तो बात जोशीमठ से आगे निकल गई है। अब टिहरी, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी समेत कई इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दुखों का पहाड़
इसका जिम्मेदार कौन है, इस आफत का गुनहगार कौन है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। दरख्ते जोशीमठ के दर्द को पूरा देश देख रहा है, मगर तस्वीर इससे आगे की भी है। ये दर्द अकेले जोशीमठ का नहीं, पूरा उत्तराखंड छलनी हो रहा है। जोशीमठ के अलावा टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिलों में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोगों के घरों में पड़ रही दरारों ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ये दरार उनके घर में है, ये छलनी उनका दिल हो रहा है। टिहरी अटाली के एक छोर पर भारी भूस्खलन के कारण दर्जनों मकानों में दरारें आ गई हैं। वहीं गांव के दूसरे छोर पर सुरंग में चल रहे ब्लास्टिंग के काम से घरों में भी भारी दरारें आ गई हैं। पौड़ी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के सुरंग निर्माण कार्य से श्रीनगर के हेदल मोहल्ला, आशीष विहार और नर्सरी रोड सहित कई घरों में दरारें दिखने लगी हैं। जबकि बागेश्वर के कपकोट के खरबगढ़ गाँव पर खतरा मंडरा रहा है और जगह जगह से पानी का रिसाव हो रहा है। उत्तरकाशी के मस्तदी और भटवाड़ी गाँव खतरे के निशान में है। यहाँ भी गांव धीरे धीरे धंस रहा है, घरों में दरारें अभी से नजर आने लगी हैं। जबकि रुद्रप्रयाग का मरोदा गांव में कई घर नष्ट होने के कगार पर हैं। जोशीमठ से अभी तक 82 परिवारों को फिलहाल के लिए सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी 600 से ज्यादा परिवार इस ठिठुरन भरी ठंड में मौत की मुंडेर पर सर रख कर सोने को मजबूर है। और अब दूसरे गाँव से भी आ रही ये खबरें सोचने को मजबूर कर रही है, क्या विकास ऐसे ही होता है। ईटी नाउ स्वदेश। तो चलिए, देखा आपने दुखों का पहाड़, पहाड़ का दर्द। अब इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्टिविस्ट त्रिलोचन भट्ट और प्रोफेसर डीएस बागरी, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, हेमवंती नंदन बगुणा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में और इस चर्चा में। त्रिलोचन सर, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा। आप जैसे कि जानते हैं कि उत्तराखंड में कितनी समस्याएं हैं, जो आज जोशीमठ का आज सच आपने देखा वो एक सच है। दूसरा सच ये भी है कि जो आज ये जोशीमठ का दर्द पूरा देश देख रहा है, कल लोग इसी दर्द को बड़ी ही आसानी से भूल जाएंगे, जैसे ही सब चीज़ें थोड़ा सा सामान्य होंगी। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये इसी तरह की समस्याएं ये आज की नहीं है, ये पहले की भी है, और इसको लेकर लगातार उत्तराखंड में आंदोलन भी चलते आए हैं और कई आंदोलन कुछ हद तक सफल हुए, कुछ हद तक फेल हुए। आपको क्या लगता है कि आखिर कहाँ पर चूक हो गई, जो इस तरह की जो जोशीमठ की जड़ दर्द जो हम देख रहे हैं उस तरह की घटनाएँ आज हमको देखनी पड़ रही हैं? जी, यदि मैं जोशीमठ की बात करूं तो मैं आज अभी थोड़ी देर पहले मैं जोशीमठ से यहाँ देहरादून में पहुंचा हूँ। तो जोशीमठ में ये जो अभी अभी नहीं हो रहा है, आज से ठीक 7 महीने पहले मई में मैं खुद वहां गया था और जोशीमठ का एक इलाका धंस रहा था, वहां कई मकानों में दरारें आ रही थी। मैंने कई जगह पे, कई प्लेटफॉर्म पे ये लिखा भी है, कई मैगजीन में भी लिखा, मैंने पर्यावरण से संबंधित मैगजीनों में मैंने ये बात लिखी, मैंने कुछ वीडियो भी बनाए। ये जो घर धंस रहे थे, एक पर्टिकुलर एरिया था, वो छावनी बाजार उसको कहते हैं, गांधीनगर छावनी बाजार। तो वहां 7 महीने, बल्कि 14 महीने पहले से वहां धंसना शुरू हो गया था। मैं 7 महीने पहले वहां पहुंचा था और मैंने ये पब्लिक डोमेन में ये बात डाली थी, लेकिन कहीं किसी ने ध्यान नहीं दिया, न तो वहां मीडिया पहुंचा न ही प्रशासन पहुंचा। और चमोली के डीएम की तो स्थिति ये है कि अभी जब तक बद्रीनाथ के कपाट खुले थे, बंद नहीं हुए थे, तो बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत काम चल रहा है, तो वो हर महीने जोशीमठ से होकर बद्रीनाथ जाते थे। जोशीमठ के लोगों ने कई बार उनको ज्ञापन दिया था, मौखिक रूप से मिले थे कि महाराज जी जरा यहाँ आके देख लीजिए, दरारें पड़ रही हैं, लेकिन जोशीमठ से रोज वो बद्रीनाथ जाते थे, बद्रीनाथ से वापस गोपेश्वर आते थे, वो एक भी दिन वहां नहीं रुके। स्थितियां जब खराब हो गई, ये पर्टिकुलर एक दो जनवरी की रात की लोग बता रहे हैं कि अचानक 1:30 से 2 बजे क्या हुआ, कैसा हुआ, अचानक दरारें जो पहले से थी वो चौड़ी हो गई और कई इलाकों में नई दरारें आ गई। मेरा मानना यह है कि यदि समय रहते, 14 महीने पहले नहीं तो 7 महीने पहले ही यदि इस पे कदम उठाया गया होता, सोचा गया होता, ट्रीटमेंट करने की कोई बात हुई होती, लोगों को सही सुरक्षित जगह पे यदि बसाने की तभी से बात हुई होती, तो आज ये अफरा तफरी का माहौल नहीं होता। जी बिल्कुल बागरी सर, अब आपके पास आना चाहूँगा, ये समझना चाहूँगा कि हर कोई कह रहा है कि ये
जो कई लोग कह रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग कि ये आफत जो है NTPCL की तरफ से है, प्रोजेक्ट की वजह से है, और उनकी तरह कई लोगों का कहना है कि ये कुदरती आफत है। आखिर आपसे समझना चाहूँगा कि ये आफत आखिर क्या है, कुदरती आफत मानेंगे इसको या वाकई में मानव निर्मित ये आफत है? साहब मैं इसको मानव निर्मित ज्यादा मानूंगा, क्योंकि यहाँ के आदमी को हिमालय की जियोलॉजी समझने की जरूरत है, सरकार को भी, प्रशासन को भी। लखनऊ की जमीन, दिल्ली की जमीन बिल्कुल अलग है, जोशीमठ का इलाका बिल्कुल अलग है। मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जमीन के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, हायर हिमालय, उच्च हिमालय, चाहे वो उत्तरकाशी का क्षेत्र हो, चाहे वो ये जोशीमठ का हो, चाहे वो पिथौरागढ़ का हो, यहाँ पर ज्यादातर भूमि ग्लेशियल हिमानियों द्वारा निर्मित है, हिमानियों द्वारा जनित है। उन वो जो मलवा है उसमें ज्यादा हार्डनेस, ज्यादा वो कॉम्पैक्ट नहीं होता, ज्यादा वो मजबूत नहीं होता। और जोशीमठ के संदर्भ में जो हुआ, जहां पे ड्रेनेज नहीं था, सीवर नहीं था, जो कि लोकल प्रशासन की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो पानी सीधा जमीन के अंदर रिसता गया। फाइन सेडिमेंट, जो बारीक मिट्टी और सिल्ट थी बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच, वो आज से नहीं दशकों से बहती गई आपस में। जैसे यूं समझ लीजिए, दो ईंट के बीच का मसाला जो है वो खत्म हो रहा है, बाद में बड़े बड़े बोल्डर्स और लूज हो गए, ऊपर बढ़ते हुए जोशीमठ के एक्सपेंशन का, फैलाव का बोझ नहीं ढो पाए, और वो क्रैक्स कई समय से दिख रहे थे, आज इसकी ये मैक्सिमम हाइट पे आ गया। जहां तक आपका प्रश्न है कि क्या NTPC की टनल का पानी इसके लिए जिम्मेवार है, तो एज ए जियोलॉजिस्ट मैं इसी फील्ड में कुछ काम करता हूं, हर पानी के अपने सिग्नेचर होते हैं, आइसोटोप्स, समस्थानिक के संदर्भ में कह रहा हूं मैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अपने आइसोटोप्स होते हैं। जैसे ये पावर प्रोजेक्ट है तपोवन, तो नदी के पानी को ब्लॉक करके फिर टनल में पानी आया, तो टनल के पानी का सैंपल और नदी के पानी के सैंपल के सिग्नेचर जब तक आपस में मिल नहीं जाते, जिनके सैंपल NIH रुड़की ने भी सैंपलिंग कर ली है, तो जब तक ये बखूबी रूप से स्पष्ट नहीं हो जाता कि दोनों पानियों के सैंपल एक ही हैं, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये टनल का पानी इसके लिए जिम्मेवार है। क्योंकि स्प्रिंग या एक्यूफर का जो पानी होगा उसके सिग्नेचर्स कुछ और होंगे, नदी के पानी के सिग्नेचर्स कुछ और होंगे। प्रमाणिकता के साथ यह बात प्रूव हो जानी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए कि ये जब सिग्नेचर का मिलान हो जाएगा तभी हम कह सकते हैं कि ये NTPC टनल के कारण हुआ है। बिल्कुल, यानी कि अभी पानी की जांच होगी और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि अगर ये पानी का मैच हो जाता है उसके बाद ये तय हो पाएगा कि NTPC के कारण हुआ या किसी और कारण। लेकिन बागरी सर, इसी में एक बात और आगे जोड़ना चाहूँगा जो बड़ी चिंता की बात है कि जोशीमठ के अलावा कर्णप्रयाग, टिहरी, चंबा और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ इस तरह की समस्याएँ फिर से आने लगी हैं। तमाम तरह के लोग अपने घरों की जो दरारें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से हुआ है। खासकर अगर दूसरी बात करूं मैं, अगर जो चार धाम परियोजना है और तमाम तरह के प्रोजेक्ट हैं, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल लाइन है, इन तमाम चीज़ों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोग शुरू से इनका विरोध करते आए हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि वाकई में ये फिर से सरकार ने विकास की जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश में इन लोगों की जो मांगे थी या इन लोगों की जो चिंता थी उसको दरकिनार किया, उसकी वजह से ये हमको आज ये हाल देखना पड़ रहा है? ऐसा पूरी की पूरी परियोजना को तो नहीं कह सकते, लेकिन जहां पे स्लाइड जून्स हैं, जिनको जियोलॉजी की भाषा में पैलियो लैंडस्लाइड्स, पुराने लैंडस्लाइड्स कहते हैं, पुराने मलबों पे जो गांव, जो आबादी बसी हुई है, इन टनल्स के एक्सकेवेशन में, इनके खुदान करने में, इनको बनाने में वहां पे ज्यादा हलचल हुई है, उनमें क्रैक्स डेवलप होना लाजमी बात है। मैं आपको एक उदाहरण दूं,
उत्तरकाशी जिले में एक गांव है मस्ताड़ी, और मैंने 1999 में अपनी पीएचडी उस इलाके में की है और अपनी थीसिस में साफ साफ लिखा है कि ये मस्ताड़ी गांव एक कॉलुबियल फेंस पे बसा हुआ है, एक पुरानी लैंडस्लाइड पे बसा हुआ है जहां पे ढाल 50-55 डिग्री से ज्यादा है। उस गांव में जब लोग तिमंजिले घर बनाएंगे और नीचे की चट्टान उसको सहन नहीं कर पाएगी तो हसर क्या होगा। कल मैं एक प्रतिष्ठित देश के न्यूज चैनल पे देख रहा था मस्ताड़ी का जिक्र, जो मैंने हम लोग मैंने मैं शब्द यूज कर रहा हूं 1999 में अपनी थीसिस में लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। एक गांव है धोतरी के पास जलपुर नदी घाटी में बागी, वो पूरा गांव 75% गांव वर्टिकली जमीन में समा गया, क्योंकि ये पुराने गांव ये जो पैलियो लैंडस्लाइड्स पे या कॉलुबियल फेंस पे बसे हुए हैं इनकी नियति ऐसे ही होगी जब तक यहां पर एक स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड, जैसे कई लैटिन अमेरिकन कंट्री चिली में होता है स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम, ऐसा कोई बिल्डिंग कोड हो। मन सरकारी बिल्डिंग भी अगर हरसिल में बनती है वो भी तिमंजिला बनती है। अरे भैया अगर आपकी सरकारी बिल्डिंग पे इतना आरसीसी लगा हुआ है तो ये आपदा प्रबंधन आप किसको पाठ पढ़ा रहे हैं? क्या हमारे पहाड़ में जो पठाल के मकान थे वो कहीं कभी दरके नहीं? अंग्रेजों का ज्ञान क्या हमसे कम था जिन्होंने सिलगुड़ी दार्जिलिंग शिमला मसूरी जम्मू डलहौजी सब चद्दर और लकड़ी के मकान बनाए, लेकिन गांव में आप कहिए कि स्टेटस सिंबल है कि क्या है, इन कॉलुबियल फेंस पे जितनी गांव होंगे सटर ही क्या, जो नदी घाटी में भी शहर है और वो अगर वहां पे हार्ड रॉक्स। बाकी सर आपकी थोड़ा आवाज आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं त्रिलोचन सर के पास जाना चाहूंगा। त्रिलोचन सर, जिस तरह से बागरी सर ने बताया वाकई में काफी जो अहम पॉइंट है कि लोगों को भी शायद पता है और ना पता हो, लेकिन हकीकत यह है कि जो जिस जोन पे वो घर बना रहे हैं वो वाकई में थोड़ा सेंसिटिव है। प्रशासन को भी पता है लेकिन प्रशासन भी उन चीज़ों को इजाज़त देता है, उन चीज़ों को इजाज़त क्या देता है, उनकी खुद की बिल्डिंग उसी पे बनी होती है। तो ऐसे में क्या हम सारा दोष प्रोजेक्ट जो कंपनियां उनको दे दें, यह हमारी खुद की जिम्मेदारी है, प्रशासन की और लोगों की खुद की जिम्मेदारी है? ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब जो आज की जो खबरें हैं वो हर जगह टिहरी हो पौड़ी हो बागेश्वर हो हर जगह आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, उत्तराखंड का भविष्य कहाँ देखते हैं आप? सर मेरा ये कहना है कि आम लोगों को जिम्मेदार ठहराने की परिपाटी बहुत पुरानी है, इस बार भी यही हो रहा है। 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी, उन्होंने कह दिया था कि जोशी मठ मोरेन पे बसा हुआ है, तो फिर जो वहां नगर पालिका है उसने ऐसे रूल्स क्यों नहीं बनाए? एक जिस होटल के सामने पूरा का पूरा मीडिया खड़ा है वो होटल 7 मंजिल का है, जोशी मठ जैसी जगह पे जिसके 1976 में रिपोर्ट आ चुकी है मोरेन पे बसा है, वहां कैसे इजाजत मिल गई 7 मंजिला होटल बनाने की? और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर जब वह परियोजनाएं बन रही हैं इस इलाके में, क्या उन रिपोर्टों को नहीं देखा जाता? हम आम आदमी पे दोष कर, हाँ आम लोगों का भी दोष है, लेकिन आम लोगों का कितना दोष है? यदि कोई मकान बन रहा है तो नगर पालिका के रूल्स उस पर लागू होते हैं, और वहां सीवरेज की जो बताया जा रहा है सीवरेज की समस्या है, तो सीवरेज कौन देगा? सीवरेज तो नगर पालिका की व्यवस्था है। और जहां तक लोगों की बात है, लोगों की गलती की बात है, तो लोग तो कहीं ना कहीं जहां जगह मिलेगी वहां अपने रहने के लिए अपना आशियाना बनाएंगे ही। मैं इस आरोप को पूरी तरह गलत ठहराता हूँ, इस परिपाटी को गलत ठहराता हूँ कि लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। लोगों ने गलती की माना की, तो उस बड़ी कंपनी ने जो इतना करोड़ों रुपया खर्च करके वहां योजना बनाई वो किस आधार पे बनाई, हम कैसे लोगों को दोष दे दें, ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल त्रिलोचन साहब, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है। मैं कई ऐसे उदाहरण हैं, एक जो ऋषिकेश से शिवपुरी से जादल की तरफ एक सड़क का उदाहरण देना चाहूँगा, 30 साल से लोग केवल 7 किलोमीटर की सड़क के लिए वहाँ मांग करेंगे हमारी सड़क बन जाए, उसको नहीं इजाज़त मिलती, लेकिन उसके बदले जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं पता नहीं चलता एक एक दो दो साल में उनको मंजूरी मिल जाती है, 8-10 साल में वो खड़े भी हो जाते। तो ऐसे में सवाल वाकई में उठता है, सिस्टम को लेकर भी उठता है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की इस दशा के लिए राजनीति को हम उतना ही जिम्मेदार माने जितना हम
प्रोजेक्ट कंपनियों को की जो बेतहाशा तरीके से उनका जो डेवलपमेंट कार्य चल रहा है और जिस तरह से लोगों की जो लापरवाही भी कई बार या अनजाने जाने या अनजाने में जो भी होती है या किसी भी वजह से हो वो तो तमाम तरह की ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज उत्तराखंड का हर इलाका इसी तरह से जर्जर हो रहा है और तमाम तरह की जो लगातार लोगों के घरों में दरारें आ रही है प्रशासन को अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए। जिन लोगों ने लगातार छः छः महीने से साल साल भर से कई कई साल से मांग कर रहे हैं कि हमें पुनर्विस्थापित किया जाए तो प्रशासन को अब इस बार वाकई में अलर्ट होकर उन लोगों की मांगें मान लेनी चाहिए ताकि जोशीमठ जैसे हालात वहाँ दोबारा पैदा न हो। त्रिलोचन सर और डी एस बागरे सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और आपने इतनी इंपॉर्टेंट राय रखी उसको लोगों को बताने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पूरी सभ्यता, पूरी एक संस्कृति, पूरा एक नगर नष्ट होने के कगार पर। हमें नहीं पता आप कब आएंगे यहाँ पर वापस। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे।